महेंद्र सिंह के चर्चे हैं, हम उसमें भी आएंगे, उनका पूरा लेखा जोखा हम इकट्ठे करने वाले, जो उनका काम करने का तरीका रहा है उन पे पहले भी आरोप लगते रहे, और मैं चुनौती देता हूं महेंद्र सिंह को कि अपने कपड़ों के अंदर रहे, अगर अपने कपड़ों के बाहर आने का प्रयास किया तो बेइज्जती उनकी भी होगी और हम उन्हें पूरी तरह बेनकाब करेंगे। हम पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा उनका जो चिट्ठा है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के पास क्या कोई दूसरा मंत्री नहीं है, हर जगह उन्हें भेज देते हैं, जनता के बीच में अधिकारियों को डराते हैं धमकाते हैं। देखिए एक नियम है, एक कायदा है, अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा आप नियम के मुताबिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप जनता के बीच में एक अधिकारी को बेइज्जत करते हैं, यह अधिकार आपको लोकतंत्र में किसने दिया? सबसे पहले तो मुझे उनके काम करने पे आपत्ति है। वो साम दाम दंड भेद हर हथकंडे का अपना के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और मैं चुनौती देता हूं उनको कि इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये मेरी कड़ी चुनौती आप लोगों की मार्फत प्रदेश के बागवानी मंत्री को, और हमने निर्णय लिया है हिमाचल में जिस ढंग से किसानों और बागवानों की अनदेखी हो रही है, चाहे बागवान हो चाहे हमारे मैदानी क्षेत्रों के किसान हो, सेब की फसलें बर्बाद होगी, गेहूं की फसलें बर्बाद होगी, सरकार ने क्या किया, खादों के रेट बढ़ा दिए, आज फंगसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर महंगा बिक रहा है, क्या किया सरकार ने किसानों के लिए? और दूसरी तरफ बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं, पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही है, और जो महेंद्र सिंह का विभाग है उसमें सबसे ज्यादा जो है पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही है, और हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे, आप देखिए आज जो आम जन है, गरीब लोग हैं, उनका जीना जो है मुश्किल हो गया, 2 जून की रोटियां जुटाना मुश्किल हो गया, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। हमने कोरोना के समय लोगों की मदद की है, और कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते एक निर्णय लिया है कि हम जनता के तमाम इन मुद्दों को लेकर एक सप्ताह जन आक्रोश सप्ताह मनाने जा रहे हैं, जिसमें किसानों बागवानों और समाज के हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे हमारे होटलियर्स हो, छोटे दुकानदार हो, हर वर्ग इनसे प्रताड़ित है, क्योंकि कोरोना के समय इन्होंने किसी की मदद की नहीं। हम इन मुद्दों को लेकर जो है एक सप्ताह तक जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर तक हम धरने और प्रदर्शनों का आयोजन जो है करने जा रहे हैं। और मुझे अभी बताया गया, अभी मैं काफी दिनों से गांव में था, कि जो पाइप्स आ रहे हैं वो इतने सब स्टैंडर्ड, इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि उन्हें अगर आप रेंच से जोर से दबाओ तो दब जाते हैं, क्योंकि एक महान व्यक्ति जो है वो हिमाचल के आईपीएच मिनिस्टर भी हैं, बागवानी मंत्री भी, आईपीएच मिनिस्टर भी है। तो ये चंदा जुटाया जा रहा है, हम इन मामलों को, इन सभी बातों को लेकर कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो दाम है ये वापस होने चाहिए, और एक नया शगुफा छोड़ा है कि जो किसान और बागवान है वो क्रेट में अपना सेब बेच सकते हैं। इतनी व्यवहारिक बात है। अब आप बताइए कि सेब में ग्रेडिंग होती है, कौन सा सेब लार्ज है, कौन सा मीडियम है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा एक्स्ट्रा स्मॉल है। अब बागवानी मंत्री को अगर जानकारी हो तब वो बात करे ना, उन्हें तो मालूम नहीं है। अब क्रेट में आप सेब बेचेंगे, अब सेब और आलू में उनको फर्क नजर नहीं आ रहा। अब ये कोई आलू नहीं है कि आप क्रेट में जाके बेच दें, किलो के हिसाब से बेच दें। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, दीज ऑल आर अनप्रैक्टिकल। इन
इन बातों इन सभी मामलों को लेकर। और मुझे ये भी कहना है कि जो बीमा कंपनियां हैं, अभी जो हमारे बागवानों का या किसानों का नुकसान हुआ है, तो प्रीमियम तो ले रही है लेकिन अभी तक जो है भुगतान नहीं हुआ। और HPMC और हिमफेड ने जो पिछली वर्ष का दो दो तीन तीन वर्ष का जो किसानों और बागवानों का प्रोडक्ट उनके पास था उसके पैसे नहीं दिए। तो इन सब मामलों को लेकर हम जो है एक हफ्ते का जो है आंदोलन कर रहे हैं।